सकते हैं। 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां कमर कसकर जुट गई हैं। लेकिन एक और पार्टी है जयस, जिसका अपना एक वर्चस्व है और पिछली बार भी चुनाव में अच्छी खासी भूमिका रही थी। इस बार जयस की क्या भूमिका होगी? ऐसा कहा जा रहा है कि जयस जो है तीसरे मोर्चे के रूप में उभर सकता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? और यदि ऐसा होगा तो भाजपा या कांग्रेस किसको इसका नुकसान होगा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भानु भूरिया जी, जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा से। भानु भूरिया जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस से कैलाश कुंडल जी, जो पूर्व विधायक हैं। कैलाश जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं कैलाश लोकेश मुजालदा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयस से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भानु भूरिया जी आपसे। भानु जी, क्या लगता है जयस का वर्चस्व इस वक्त कितना है और इस चुनाव में भाजपा को किस तरह का नुकसान पहुंचेगा जयस से? भानु भूरिया जी। हेलो भानु भूरिया जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, आवाज आ रही है जी। भानु भूरिया जी, जयस जी, जी जी बोलिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। लोकेश मुजालदा जी, हमारे पूर्व विधायक जी, सबको नमस्कार। नमस्कार। जहां तक आपका जो क्वेश्चन है, तो जहां तक जयस का विषय है, जयस को लेकर आप पूछ रहे हैं, तो जयस हमारा एक सामाजिक संगठन है और वो समाज के लिए काम कर रही है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई राजनीतिक दृष्टि से वो किसी पार्टी का सहयोग और किसी पार्टी को नुकसान करे, कि वो अपना काम एक समाज के लिए कर रहे हैं, वो राजनीति से कोई मतलब नहीं समझता हूं। अच्छा, आपको लगता है कि भाजपा को कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरह से जयस से? जी बिल्कुल जी। कैलाश कुंडल जी, क्या आपको लगता है कि जो भानु भूरिया जी कह रहे हैं उससे 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 आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या क्या किसी को नुकसान नहीं है? कांग्रेस को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है जैसे इस बार? नहीं, पहले तो जैसा आप फरमा रहे थे भूरिया जी, कि राजनीतिक संगठन नहीं है और समाज का कार्य करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। तो जैस जो आज आपका मुद्दा है बहुत बड़ा, तो इसी बात से हो रहा है ना कि राजनीतिक कहीं ना कहीं रुचि है लोगों की, और राजनीतिक रुचि अगर है तो कहीं ना कहीं फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। समाज सेवा अलग विषय, हर बहुत सारे संगठन समाज सेवा करते हैं, पर जैस आज की तारीख में कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के रूप में दिखाई देने लगा है। अब यह हो सकता है कि जैस में थोड़े बहुत अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों को राजनीति में आने का सोच हो सकता है, कुछ लोग समाज सेवा में ही रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखने लगा है। और मेरे ख्याल से चैनल साधना न्यूज चैनल ने भी इस विषय को अगर पकड़ा है तो राजनीतिक हिसाब से मान के तो पकड़ा है, समाज सेवा के कार्य के हिसाब से नहीं पकड़ा आपने। निश्चित रूप से कैलाश जी, क्या पिछली बार चुनाव में जयस की क्या भूमिका मानते हैं आप? कैलाश जी, क्या किस ढंग से प्रभावित किया था जयस ने चुनाव? नहीं, जयस के एक विधायक जीते हैं, हीरा लाल जी अलावा साहब, यानी राजनीति में राजनीतिक जी हाँ, लेकिन वो कांग्रेस के साथ रहे हैं हमेशा, राजनीति में है जी जी जी। और मेरे हिसाब से फायदा नुकसान अभी 5 महीने पहले सोचना बहुत दूर की बात है। हो सकता है राजनीतिक दलों में चुनाव के समय बहुत उठापटक होती है, सामाजिक संगठनों में उठापटक होती है, तो अभी से यह अनुमान लगा के खुश होना या नाराज होना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। हम सबको इंतजार करना चाहिए चुनाव के आने का। लेकिन कैलाश जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी तो कमर कसकर जो है जुट गए मैदान में, यदि अभी से आकलन नहीं किया जाएगा तो कैसे कैसे चलेगा राजनीति में? नहीं, हम जैसे मैं बोला, कल हरसूद में कमलनाथ जी की सभा थी, पूरा आदिवासी विधानसभा है, 8 से 10 हजार लोग वहां पर उपस्थित थे, वहां के जो विधायक है, मंत्री हैं, उन्होंने 11 से 2 लोगों का विवाह भी रख लिया था प्रोग्राम को बेकार करने के लिए, लेकिन 8 हजार 10 हजार लोग आदिवासी समाज के वहां पर उपस्थित हुए। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं लगती, नहीं है। चलिए लोकेश जी से बात करते हैं। लोकेश जी, जयस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जयस आखिर, जैसा कहा है भानु भूरिया जी ने कि तो सामाजिक संगठन है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उसके उल्टे कैलाश जी बोल रहे हैं कि राजनीतिक संगठन तो है, तो क्या क्या भूमिका है आपकी, संगठन है क्या, आप खुद स्पष्ट कर दीजिए। जी देखिए, सभी को नमस्कार, और मैं कह देना चाहता हूँ कि जयस तो एक सामाजिक विचारधारा है, लेकिन हम लोग मुद्दे की बात करते आए हैं तमाम सरकारों से,
पिछले 75 वर्षों से मध्य प्रदेश में हम लोगों ने कांग्रेस और भाजपा की दोनों की सरकार दिए हैं, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा था आदिवासियों का, जो पांचवी अनुसूची को अमल में लाने के लिए, वो मुद्दे पर आज तक ना तो कांग्रेस ने बात की है ना भाजपा ने बात की है। हम लोग हमेशा मुद्दों की बात दोनों सरकारों से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस की सरकार बनाया, 18 महीने तक सरकार रही, लेकिन कांग्रेस ने भी पांचवी अनुसूची के मुद्दे को अमल में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, दिग्विजय सिंह की सरकार रही, कमलनाथ जी की सरकार रही, और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार काफी लंबे समय से चल रही है, अभी 18 साल होने को है भाजपा की सरकार को, लेकिन भाजपा की सरकार ने भी पांचवें अनुसूची मुद्दे को प्रमुखता से रखने की बात नहीं की, ना अमल में लाने की बात की। एक तरफ ये कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी हैं, जैसे कि भानु भूरिया जी ने कहा और केके जी ने कहा, दोनों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये जो जयस की विचारधारा है, जयस की विचारधारा में उद्देश्य में ये लिखा था कि हम जयस के लोगों को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। आज जयस को 10 वर्ष हो चुके हैं और अब राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए जयस के युवा तैयार है, लेकिन जयस सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। इसलिए जो जयस के युवा जो राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए हम तीसरा विकल्प देने की बात की थी। आपने पिछले मध्य प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में जयस के कैंडिडेट जो समर्थित प्रत्याशी थे वो भारी संख्या में जीत कर आए, वो आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो हमारे जो युवा हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, हम उनको तीसरा विकल्प के साथ राजनीतिक क्षेत्र में भेजेंगे। जयस चुनाव नहीं लड़ेगा, ना ही जयस के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छी बात आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आप पार्टी नहीं है तो आपको क्या अधिकार भी नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है, दो सवाल है लोकेश जी यहाँ पर, क्या भविष्य में आप अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अधिकृत करने वाले हैं? जी बिल्कुल नहीं, राजनीतिक पार्टी जो भी होगी वो अलग होगी, हम लोग, हमारी एक आइडियोलॉजी है, जयस की विचारधारा है, ये विचारधारा ऐसी निरंतर चलती रहेगी, और जिनको राजनीति में जाना है उनको हम लोग तीसरे विकल्प के रूप में कोई भी पार्टी देंगे, जो गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी होगी, है ना, गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी होगी। हम कांग्रेस और भाजपा में इस बार नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आदिवासी लोगों को हमेशा कांग्रेस और भाजपा ने छला है, चाहे वो पैसा एक्ट के नाम पर हो, पैसा एक्ट के नाम पर आदिवासियों को झुंझुना थमा दिया गया। आज हम लोग बात करते हैं कि हमरा गांव में अमरो राज, एक नारा है जो नारा कभी बिरसा मुंडा जी ने दिया था, कल ही बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस गया है, उन्होंने नारा दिया था कि अम्बा देशम अमरो राज, तो वही नारा जो पांचवी अनुसूची के नाम पर संविधान में मौजूद है, लेकिन उसको अमल में लाने का काम दोनों पार्टी नहीं कर रही है। इसलिए आदिवासी समाज इस बार दोनों पार्टियों से नाराज है और वो तीसरे विकल्प के साथ जाकर इस बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएगा। हमारा देश और हमारा राज, आप कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा जी ने नारा दिया था, लेकिन तीसरी पार्टी कौन सी होगी? एक भाजपा को आप बात कर रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों से आप नाराज हैं, तो तीसरी और कौन सी पार्टी होगी? क्या ओबीसी की पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, आप पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, या बीआरएस जिसमें एक आनंद राय जो है पहले जयस में कहे जाते थे, अभी उतना ये कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है, किस तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं लोकेश जी? तीसरे मोर्चे के रूप में जो भी हमारे मुद्दे के साथ रहेगा, हम लोगों ने बीआरएस से बात की, हम हैदराबाद तेलंगाना गए थे और वहां पर के चंद्रशेखर राव जी से काफी लंबी चर्चा हुई, हमारी मुद्दों पर बात हुई, पांचवी अनुसूची के मुद्दों पर बात हुई, हमारा जो कस्टम है, कस्टमरी लॉ है, हमारा अनुच्छेद 13(3) का के तहत रूढ़ी प्रथा को जीवित रखते हुए आगे का काम करने के लिए उस पर हमारी बात हुई, हमारी बात आदिवासियों के विकास को लेकर हुई, हमारी बात पीएसपी को लेकर हुई, हमारी बात और भी अन्य मुद्दों को लेकर हुई। तो उनका कहना था कि हम लोग इन सभी मुद्दों को मैनिफेस्टो में रखेंगे और हम लोग मैनिफेस्टो में जो जिसको रखते हैं उसको करते हैं। अगर वो मुद्दों को, हमारे मुद्दों को मैनिफेस्टो में रखते हैं तो हम बीआरएस के साथ समर्थन करेंगे। हम कांग्रेस और भाजपा का इस बार समर्थन नहीं करने वाले और कांग्रेस और भाजपा का इस बार यहाँ पर नुकसान होगा, नुकसान ही नहीं, कांग्रेस और भाजपा की सरकार जाने वाली है। इस बार मध्य प्रदेश की जनता थर्ड विकल्प को चाहती है, क्योंकि 75 सालों से दोनों ही पार्टियों से त्रस्त है जनता, सिर्फ आदिवासी की बात नहीं कर रहा, यहाँ का एससी समाज भी त्रस्त है, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का माइनॉरिटी, यहाँ का सामान्य वर्ग भी इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुका है और वह तीसरे विकल्प को चाहता है। तीसरा विकल्प बीआरएस के रूप में हम लोग हो सकता है, हम उसको समर्थन करेंगे। लोकेश जी आपने हालांकि आपने चाहे दबी दबान से बात की, लेकिन बीआरएस का नाम तो आपने ले ही दिया है, हम आपसे बातचीत अभी करेंगे कि आखिर अलग अलग आपके तीन हिस्से हो गए उसमें बातचीत करेंगे, लेकिन भानु भूरिया जी अभी आप कह रहे थे कि जयस जो है राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बीआरएस का नाम सामने आ गया है, बीआरएस को सपोर्ट कर सकते हैं और वो तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, जहां तक मैंने अभी तक सुना था कि सामाजिक संगठन है, लेकिन आज स्वयं स्पष्ट हो गया आज कि ये एक तीसरे विकल्प के रूप में किसी को समर्थन करेंगे या कोई ऐसा थर्ड करेंगे, तो
अच्छी बात है, समाज सेवा नहीं तो आप क्या भानु भानु भूरिया जी, अब आपको लगता नहीं है कि अब ये भाजपा के लिए भी तो नुकसानदेह हो सकता है कि जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर लोके जेएस का अपना वर्चस्व है और यदि वो बीआरएस को साथ में लेकर आती है तो आपको लगता है कि वो डैमेज करेगी भाजपा को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक समाज को साथ में लेकर समरसता के भाव से पूरी सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने विशेषकर आदिवासी समाज के लिए जो योजना लाए हैं और आज से हम 2002-2001 की सरकार कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के शासनकाल की सरकार में विशेषकर आदिवासियों की जो हालत थे, आदिवासी क्षेत्रों में जो सड़कों की स्थिति, आदिवासी क्षेत्रों में जो बिजली की स्थिति थी, आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के संसाधन की जो स्थिति थी, आदिवासी क्षेत्रों में पढ़ाई के क्षेत्र में जो स्थिति थी, उनकी तुलना में और आज की तुलना में अगर हम देखें, दोनों में कंपेरिजन करें तो उस समय और आज उसका 20% था, आज 120% हमारे आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और आदिवासी समाज उन योजनाओं के माध्यम से अपने आप को एक सक्षम स्थिति में लाकर खड़ा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल 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 भानु जी, जो पार्टी सत्ता में होती है उसका निश्चित रूप से उसको फायदा तो होता ही है क्योंकि वो काम करवाती है और जनता का समर्थन मिलता है। कैलाश जी, अब तो बहुत स्पष्ट हो गया, जैसा आपने कहा था कि अब तो कांग्रेस के साथ दिखाई नहीं दे रही है जो आपकी जयस पार्टी है, क्योंकि आपने कहा कि एक एक विधायक जो है वो आप जीत कर आए थे वो जो है वो जयस के थे, लेकिन अब तो बीआरएस का नाम सामने आ रहा है, अब तो तीसरा मोर्चा सामने आ जाएगा, तो अब न तो कांग्रेस के साथ में है न भाजपा के साथ में, जयस नुकसान तो होना है कांग्रेस को। देखिए, भाजपा और कांग्रेस जो पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, और मध्य प्रदेश के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, आज नया कोई संगठन आके 5 महीने में ये कहे कि हम तीसरा विकल्प बन सकते हैं, ये मेरे हिसाब से संभव नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में आज डीआरएस कहां पर है, कहीं दिखाई नहीं देता है। आज मान लीजिए जैसे लोकेश भाई ने कहा है, भूरिया जी ने कहा है कि कोई भी आज कांग्रेस और भाजपा महीनों से तैयारी कर रही है, उसके बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आज कोई राजनीतिक दल नया बनकर यहाँ आता है और कहता है कि हम सरकार बना लेंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा, न भाजपा की सरकार बनेगी न कांग्रेस की सरकार जी बनेगी, तो मेरे हिसाब से एकदम बात हजम करने जैसी नहीं है। कांग्रेस और भाजपा को संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है जी? कांग्रेस और भाजपा को इसलिए संघर्ष करना पड़ा है ना, उन्होंने मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पे काम नहीं किया इसलिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और वही बात हम लोग कह रहे हैं, हमारी बात अगर उस टाइम पे समझ लिए होते, आज भानु भूरिया जी कह रहे कि राजनीतिक पार्टी है जयस, जयस राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम लोग कह रहे हैं राजनीति में जाने वाले लोगों को हम लोग विकल्प दे रहे हैं, एक नया नाम है, उसका नया सिंबल है, नया चेहरा है। हम लोग हमारा काम जयस का जो काम सामाजिक वो करता रहेगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया था तो क्या हम लोग राजनीतिक हो गए? नहीं हुए ना, हम लोग समाज का काम कर रहे हैं। अगर भाजपा के लोगों को कुछ लोगों को समर्थन कर दिया था तो क्या भाजपा ही हो गए? नहीं हुए। तो मुद्दों के साथ जो बात करेगा हम लोग उनके साथ जा रहे हैं। जयस कभी भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, जयस एक विकल्प दे रहा है, नया नाम है, नया उसका सिंबल है, ये एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये है कि 5 महीने में सरकार नहीं बना सकते, जयस यहाँ पर पिछले 10 सालों से काम कर रहा है और जयस ने कांग्रेस और भाजपा की निंदे हराम कर रखी है। आज वर्तमान सरकार अगर कुछ हमारे आप बताइए, आज भील प्रदेश की बात कांग्रेस और भाजपा के लोग क्यों नहीं करते? आज गोंडवाना राज्य गठन की बात कांग्रेस और भाजपा के लोग क्यों नहीं करते? यह मांग दक्षिणी राजस्थान से महाराष्ट्र बॉर्डर, गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से सटा हुआ एक इलाका है, वहां पर भील प्रदेश की मांग हो रही है, उसकी उस पर एक लफ्ज भी कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने नहीं कहा। गोंडवाना लेन जो भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है, उस गोंडवाना राज्य की मांग आदिवासी लोग करते आ रहे हैं, लेकिन उस पर भी कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने एक लफ्ज नहीं कहा है। तो हम लोग हमारी व्यवस्था जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कायम करने के लिए आगे की रणनीति बनाकर हम लोग काम करना चाहते हैं और तीसरा विकल्प इस बार आएगा। मध्य प्रदेश की जनता ने तीसरा विकल्प नहीं देखा था, लेकिन इस बार तीसरा विकल्प आएगा और 5 महीने में दोनों सरकारों को, दोनों पार्टियों को यहाँ से उखाड़ फेंकेगा। लोकेश जी, आप जो बात कर रहे हैं, देखिए जो कैलाश जी ने भी कहा है, इस पर बात पर गौर करना चाहिए। आप जयस की बात कर रहे हैं, आप तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन जयस भी तो तीन तीन भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। आनंद राय आपने अभी कहा है कि वो बीआरएस जो है वो, आपने भी बीआरएस का नाम लिया, आनंद राय बीआरएस ज्वाइन कर चुके हैं ऐसी खबर है। एक रविराज जी हैं जो लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं जयस को लेकर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हैं, तो जयस में ये तीनों बटे हुए हैं या तीनों एक हैं?
जी देखिए, जेएस में कोई भी तीनों बटे हुए नहीं है। जेएस एक विचारधारा है, कोई संगठन नहीं है। बढ़ता संगठन है, विचारधारा नहीं बढ़ती, ये विचारधारा है। ये विचारधारा सभी लोगों तक निरंतर चलती रहती है, फैलती रहती नहीं, है। लेकिन मेरा सवाल लोकेश ये है कि क्या इस वक्त जेएस बटा हुआ है? बिल्कुल भी जेएस बटा हुआ नहीं है। कुछ लोग कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का साथ देते हुए कांग्रेस का काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो बीआरएस ज्वाइन कर लिए वो बीआरएस का काम करेंगे, और जयस जो है अपने कार्य क्षेत्र में अपने उद्देश्यों को लेकर हमेशा निरंतर कार्य कर रहा है। तो ये को तो बटना कहते हैं लोकेश जी माफी चाहता हूँ, इसी को बटना कहते हैं। कांग्रेस की सरकार थी, वहां से कुछ लोग जो है वो चले गए भाजपा में, जो सिंधिया जी के साथ में सरकार गिर गई तो बट गई ना कांग्रेस। इसको भी तो बटना कहते हैं कि कोई बीआरएस में है, कोई आप हैं, एक रविराज जी हैं, तो क्या सब तीनों अलग अलग धाराओं की बात कर रहे हैं? नहीं देखिए, कुछ कुछ व्यक्ति किसी पार्टी में जा सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा पूरा जेएस वहां पर मर्ज हो चुका है। हम लोगों ने जेएस को बीआरएस में भी मर्ज नहीं किया, जेएस का मर्जीकरण बीआरएस में नहीं हुआ है। हम लोग बीआरएस को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार 2018 में हम लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया था, कांग्रेस को समर्थन, जेएस बटा समर्थन दिया था, बिल्कुल 2018 में दिया था। इसी की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसी प्रकार से हम लोग बीआरएस को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। हम लोग बीआरएस में या किसी कांग्रेस या भाजपा में आदि जेएस को मर्ज नहीं कर रहे हैं। तो जेएस कहीं बटा हुआ नहीं है। कुछ लोग जो है राजनीति के लिए किसी पार्टी के साथ रहकर काम कर रहे हैं, तो वो अपना व्यक्तिगत विषय है उनका जी। अच्छा लोकेश जी, एक बहुत स्पष्ट सवाल आ चुका है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों में पूरे देश भर में कितनी सीटें होंगी जो लगभग आदिवासी बहुलता वाली है, जिसको आदिवासी प्रभावित करते हैं, कितनी सीटें होंगी पूरे देश भर में? जी बिल्कुल, पूरे देश भर में 450 से ज्यादा आदिवासियों की सीटें हैं, और लगभग जो प्रभावित करने प्रदेश में 100 से, मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 47 आदिवासियों की रिजर्व सीटें हैं, और लगभग 100 सीटें हैं जिसपे आदिवासी प्रभावशील तरीके से प्रभावित करता है। जहां पर वोट बैंक वहां का वोट बैंक आदिवासी 20% से 40% के लगभग है। तो ये ऐसी 100 सीटें हैं जहां पर आदिवासी प्रभावित तरीके से बात करें, 100 सीटें बड़ी सीटें होती हैं जी, बड़ा 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 आंकड़ा है। भानु भूरिया जी, 100 सीटें जिस पर आदिवासी बहुलता के क्षेत्र हैं, आदिवासी प्रभावित करते हैं, आपको लगता है कि जयस यदि किसी और पार्टी को सपोर्ट करती है तो नुकसान तो 100 सीटें छोटी कम नहीं होती है, 230 में 100 हटा देंगे तो 130 रह जाएगी। कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो पहले ही आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा कानून लागू करके आदिवासियों के हक अधिकार की बात कर दी है। जहां तक ये लोग जो बता रहे हैं कि 75 आजादी के 75 वर्षों में उन्होंने जो सरकारें देखी है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में वही तो मैं फर्क बता रहा था। जहां तक नुकसान और फायदे की बात है, तो हमने पिछले 2018 के चुनाव में आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस पार्टी को नुकसान का डर है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर जी देखिए, भूरिया जी पेशा एक्टर की बात अगर आप कर रहे हैं, तो मैं पेशा एक्टर के बारे में बता दूं। पांचवी अनुसूची का जो क्षेत्र होता है वो पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, ब्लॉक होता है, तहसील होती है। यहाँ पर पांचवी अनुसूची में आप लोगों ने जो पेशा एक्टर लागू किया उसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद को बाहर कर दिया। क्या नगर परिषद में आदिवासी लोग नहीं रहते? वहां का जो रिजर्व सीट है वो आदिवासियों की सीट है, लेकिन नगर परिषद को पेशा एक्ट में बाहर कर दिया। जहां पर व्यापारिक गतिविधियां होती हैं उसी क्षेत्र को बाहर कर दिया, और आप कहते हैं कि पेशा एक्ट के माध्यम से जहां पर व्यापार होगा आदिवासी को परमिशन लेनी होगी। जहां बड़ा जो क्षेत्र है, एक सिर्फ शहर होता है, उसको बाहर कर दिया। तो ये पेशा एक्ट झुंझुना मात्र है। हम लोग आमादेशम अमर राज की बात कर रहे हैं, तो आप 13-3 का तहत जो ग्राम सभाएं आयोजित होती है, ग्राम सभा का पूर्ण अधिकार होता है उन ग्राम सभा की जमीनों पर, ग्राम सभा की सीमा के अंदर, तो उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये पेशा एक्ट 1996 में जब दिलीप सिंह भूरिया जी ने संसद में पारित करवा दिया था, तो दोनों सरकारों को 27 वर्ष लग गए इसको जमीन पर लाने में, और जमीन पर जब लाया गया तब वो भी आधा अधूरा लाया गया। जो दिलीप सिंह भूरिया जी का जो पेशा एक्ट था, स्वायत्त का पेशा एक्ट था, वो स्वशासन का पेशा एक्ट था आदिवासियों का, वो लागू नहीं किया गया। तो आधा अधूरा पेशा एक्ट क्यों लागू किया गया? करना ही था तो पूरा करना था। ये आदिवासियों से सिंपैथी लेने के लिए पेशा एक्ट का झुंझुना थमा दिया गया। ये आदिवासी समाज के युवा समझते हैं, आदिवासी युवा पढ़े लिखे युवा हो चुके हैं। क्योंकि समय कम है, कैलाश जी से बात करते। कैलाश जी, पैसा एक्ट का जो बात बिल्कुल जी बोलिए, मोजाल्डे जी को समझने में थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि भूल हो रही है। ऐसा कानून को आप नीचे धरातल पर जाके देखें, जितना आप बता रहे हैं, लेकिन आप उसमें जाकर देखिए किसी ग्राम
सभा में जाकर उपस्थित होकर आप बताइए, वहां पर बताइए, हमारे पब्लिक को बताइए जो हमारे अधिकार है। और जहां तक व्यापार की बात है तो आपको और हमको व्यापार करने से कहां पर प्रतिबंधित किया है? हमको जो प्रावधान किए हैं हम उन प्रावधानों को समझकर नीचे जनता में उसको ले जाके अपनी बात रखना होगी, तब हम उस चीज को सही आकलन कर पाएंगे ना। हम केवल एक ऐसे बताएंगे, मतलब जैसे हम, मतलब कोई हमको बता रहा कि इस प्रकार से झुंझुना, अरे झुंझुना कैसे हुआ, आप उसका एग्जाम्पल बताइए जी। चलिए कैलाश जी से बात करते हैं। कैलाश जी, पैसा एक्ट को लेकर आपका क्या विचार है? एक एक तो अच्छा है, आदिवासियों के हक में बनाया गया है और लागू भी हुआ है। नहीं, मैं इस मामले में लोकेश भाई का समर्थन करूंगा कि पैसा एक वाकई में झुंझुना है। अगर ये इतने विश्वास के साथ बात करते हैं, गांव में जाके देखें तो कोई एक व्यक्ति बता दे जो कह देगा कि मुझे पैसा एक से फला फायदा हुआ है। और नगर निगम नगर पंचायत क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, कोई धंधे के लिए आता है, कोई नौकरी के लिए आता है। आज उनको अगर इसका लाभ नहीं मिलता है तो आधे अधूरे को लाभ मिल रहा है ना। और अभी संख्या बता दें माननीय भूरिया जी की, अभी तक जब से पैसा एक्ट लागू हुआ है। केला जी आप तो सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, आप इसको आधा अधूरा बता रहे हैं लेकिन आप इसका 10% तो लागू करके बता देना। आपकी सरकारें बीच में आई थी, आज हमने लागू किया था, आप बता रहे कि इसको आधा अधूरा, आपको आधा अधूरा लग रहा और पूरा कैसे लागू होता? आप हमको इसको 10% लागू करके तो बताइए, आपकी जब सरकार थी आपने इसको क्यों नहीं सोचा? आज हमारे आदिवासियों को गुमराह करने की बात आप क्यों कर रहे हो? हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे भूरिया जी, गुमराह तो आप खुद दोनों हैं, आपकी पार्टी गुमराह हो रही है। हमने कहा गुमराह किया आपको? आप कई लोग विरोध करते हैं, कई लोग आदिवासियों की तेजी भाजपा है, आदिवासियों की तेजी भाजपा है, तो आज मणिपुर में क्या हो रहा है? आज मणिपुर में जल रहा है पूरा मणिपुर, वहां पर आदिवासियों को जलाया जा रहा है, आदिवासियों को घरों से भगाया जा रहा है। आज मणिपुर में किसकी सरकार है? आज बक्सावास जो जंगल है। लोकेश जी चूंकि समय का मैं बहुत संक्षिप्त आपसे पूछना चाहूंगा, आदिवासियों की इस वक्त समस्या क्या रह गई है? सड़कें तो पहुंची हैं, इतना तो हकीकत है कि सड़कें हर आदिवासी क्षेत्र में हम जाते हैं, झाबुआ में अगर हम जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो सड़कें तो पहुंची हैं। आदिवासी की मूल समस्या इस वक्त क्या है? आदिवासी की मूल समस्या उसकी शिक्षा है, आदिवासी की मूल समस्या उसका स्वास्थ्य है। आज आप बताइए, आदिवासी क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है क्या? भानुभूरिया जी के आसपास के क्षेत्र में आप बता दीजिए, झाबा, अलीराजपुर और धार के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज कहाँ पर उपस्थित है? रतलाम में जो सुविधाएं देनी, रतलाम में है, लेकिन ये पूरा बेल्ट बड़वानी आपका ले लीजिए, आपका खरगोन ले लीजिए, आपका खंडवा ले लीजिए, बुरहानपुर ले लीजिए, यहाँ पर कहाँ पर मेडिकल कॉलेज है? हमने शुरुआत की है रतलाम से, हम उसको धार में भी लाएंगे, हम उसको झाबा में लाएंगे, बड़वानी में हमारा बिल्कुल उसका अंतिम दौर में है, बड़वानी में भी बहुत जल्दी और झाबा में भी इसकी बहुत जल्दी घोषणा होने वाली कॉलेज बनेंगे। आप देख लीजिए ना, मतलब पिछले मतलब 20 वर्षों को जाके देखिए और आज देखिए, हम धीरे धीरे सब सुधार कर रहे हैं, उसको आप देखिए ना। आप एकदम से मतलब किसी के इशारे पर इस प्रकार से आरोप लगाने की भूरिया जी 18 साल में सुधार कितना हुआ? हम बताइए ना, आपकी सरकार में सड़कों की क्या हालत थी? आपकी सरकार में कितने किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हुआ करते थे? आपकी सरकार में कितनी बिजली उपलब्ध होती थी? आपकी सरकार में कितने हॉस्टल और कितने स्कूल खुले, आप ये बताइए। मर्यादा है, समय की अपनी मर्यादा है, मैं माफी चाहूंगा, आपसे तीनों से बातचीत हुई, लेकिन असल मुद्दा यही है कि जयस की उपस्थिति से किसको कितना फायदा होना है। लेकिन यदि जयस किसी और पार्टी के साथ में आने की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जयस का आपसी फूट भी जो है उसका नुकसान कितना होगा और उसका कितना फायदा दूसरी पार्टियों को होगा, ये अलग मसला है। लेकिन असली सच ये है कि आदिवासियों तक काम करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी आदिवासी आखिर महरूम है सुविधाओं से, तो वो क्यों है? इस पर भाजपा को भी विचार करना होगा, कांग्रेस को विचार करना होगा जो 1.5 साल की सरकार में आई थी, और जयस जो कि सामाजिक संगठन का दावा करती है उसको भी विचार करना होगा। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार।